महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने भंवरकुआं चौराहे से तेजाजी नगर चौराहे तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि आईटी पार्क से तेजाजी नगर तक की 5.5 किलोमीटर सड़क का काम हो रहा है। इस दौरान ट्रैफिक भी चालू रहेगा। काम तेजी से चल रहा है और जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो इंदौर की दो बड़ी मेजर रोड्स, एक भंवरकुआं चौराहे से लेकर तेजाजी तक 6 लेन रोड, अभी एक RE2 जो इम्पोर्टेंट रोड है, उन दोनों का निरीक्षण किया है। काम वहाँ बहुत तेज गति से चल रहा है। भंवरकुआं रोड पे जरूर कुछ मंदिरों के स्थान हैं और पोल शिफ्टिंग एक मेजर उसमें समस्या है, उसको लेकर इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देश जारी किए हैं कि MPB से बात करके शटडाउन में जल्दी से जल्दी वो सब पोल हटा के काम पूरा किया जाए। RE2 में कुछ बस्तियां हैं, कुछ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो नक्शे पास किए हुए हैं उसमें उसकी सेंट्रल लाइन का एक इशू ऑलरेडी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो उसका शीघ्र निराकरण होके जो बचा हुआ काम उसी कारण से रुका हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि दिवाली और दिवाली के आसपास तक काम हो जाना चाहिए, अगर ये हर्डल समाप्त हो जाती है तो। जो इस रोड में मुख्य एक चीज ये अच्छी थी कि इसका ROW बिल्कुल क्लियर था, बहुत कोई इंक्रोचमेंट या इस तरीके की चीजें नहीं थी, छोटे मोटे थे तो वो लोगों ने उसमें सहयोग भी किया है, टाइम पर हटाते गए। बारिश जरूर एक थोड़ा बीच में हर्डल रही कि बारिश, क्योंकि इसमें मानसून पीरियड भी हम लोगों ने जोड़ा हुआ था पूरे रोड के प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने के टाइम में, लगातार काम चलता रहा है। अब जो आगे का काम है इसमें हम लोगों ने लिया हुआ है वो तेजी से कम्प्लीट हो जाए और रोड चालू हो जाए, ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर अभय राजनगांवकर, अशोक राठौर, PC जैन, राकेश अखंड सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।